के दिनांक 11 सितंबर 2024 की सुबह सेक्टर एच निवासी एक महिला के साथ जो प्रातःकाल मानी वहाँ पर निकले हुए थे उनके साथ दो अज्ञात बाइक सवार के द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोडम्बा से और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था जो कल दिनांक 15 सितंबर 2024 को घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस घटना में दो लोग जो शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम नदीम उर्फ फिरोज उर्फ कामरान उर्फ जीतू पुत्र रफीक और दूसरा मोहम्मद आसिफ खान उर्फ भाईजान पुत्र रफीक हैं। इन दोनों के कब्जे से जो चेन स्नैचिंग हुई थी वो माल भी बरामद हुआ है, उसके साथ ही एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस प्रकरण में जो पंजीकृत मुकदमे का सफल अनावरण हुआ है इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूरी हमारी थाना क्षेत्र कोडम्बा की टीम उसके साथ ही सर्वलांस की टीम इस घटना के सफल अनावरण के लिए इन अभियुक्तों का किसी अन्य सरकार के साथ संबंध भी है? अभी इस बिंदु पर हम लोग विश्लेषणात्मक कार्यवाही चल रही है और जानकारी हम लोग इस पर करना है। इन अभियुक्तों के खिलाफ जैसे नदीम के विरुद्ध 11 मुकदमे पंजीकृत हैं और आसिफ के विरुद्ध 7 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। नदीम मोटरसाइकिल कहाँ चोरी किया है? मोटरसाइकिल चोरी बाराबंकी से चोरी किए जाने की बात आ रही है, उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं। दोनों मास्टरमाइंड कौन था? दोनों सगे भाई ही हैं, घटना करने में दोनों साथ ही साथ थे। मेन इसमें जो मुलजिम है वो नदीम है जिसका आपराधिक इतिहास भी लंबा है। इनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, क्या इनके अलावा भी और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं या कुछ ऐसे लोगों का नाम सामने आया है? इन बिंदुओं पर अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो विवेचनात्मक कार्यवाही का एक हिस्सा है और उनको अगर किसी का नाम आता है। इस घटना में शामिल तो फिलहाल दो ही लोग हैं और लोगों के बारे में अगर कोई जानकारी आती है तो विवेचना के दौरान।